गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू ए लेसन क्लास फॉर फिफ्थ, लेसन नंबर 1, द मिस्टिकल लाइट, अद्भुत प्रकाश। अद्भुत प्रकाश के बारे में आज हम आपको लेसन 1 पढ़ाएंगे। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। एला द पिजन फर्स्ट नोटिस द लाइट व्हेन शी सॉ स्विमिंग अलोंग बाय द रिवर बैंक। जब नदी के किनारे तैर रही थी उन्होंने पहली बार प्रकाश देखा। इट मूव्ड स्लोली फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए धीरे चलता है। देन सडनली पिक्ड अप स्पीड पर, तब है बहुत तेज दौड़ता है। एंड डिसअपीयर, और गायब हो जाता है। व्हाट वाज ऑन द अर्थ इट बी, ये धरती पर क्या हो सकता है। इट वाज क्वाइट अनलाइक एनीथिंग सी हैड एवर बीन सीन बिफोर, उसने पहले कभी यह नहीं देखा। द नेक्स्ट नाइट अराउंड द सेम टाइम, और अगली रात उस लगभग उसी समय इट अपीयर्ड अगेन, फिर दोबारा दिखाई दिया। एला वॉच्ड इट फॉर ए वाइल, एला ने उसको थोड़ी देर देखा। देन अनएबल टू कंटेन हर एक्साइटमेंट, तब वह कंटेन का मतलब था कोई नियंत्रण करना। अनएबल टू कंटेन हर एक्साइटमेंट, तब वह अपने इस जिज्ञासा को कंट्रोल करती है। कंट्रोल अनएबल टू, उस अपने जिज्ञासा कंट्रोल नहीं कर पाती। गो आउट ऑफ द वाटर एंड टू गेट क्लोजर लुक, और पानी से बाहर निकलती है और नदी जाकर देखने की कोशिश करती है। बाय द टाइम सी वडल्ड अक्रॉस द रोड, तब वह रोड पर पहुंची। इट हैड गोन, तो वह जा चुकी थी। इट वाज प्रोबेबली जस्ट द हेडलाइट फॉर ए कार, सैड हर फ्रेंड एगी द गूज। और गूज का मतलब बतख। बतख ने जो उसकी दोस्त है बतख एगी एला का, उसने कहा शायद किसी कार का हेडलाइट की, जो कार की हेडलाइट होती वो हो। बट एला सुक हर हैड क्विट वेगरसली, परंतु जोश के साथ उसने अपना सर हिलाया कि नहीं, ये कार की हेडलाइट नहीं हो सकती। ये हेडलाइट आर बिग लाइट है, कार की हेडलाइट बड़ी होती है। सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। सी द लाइट आई सॉ वाज वेरी स्मॉल, जो प्रकाश देखा था वो बहुत ही छोटा था। देन मे इट बी ए बाइसिकल, सजेस्टेड एगी ने कहा कि हो सकता है कोई साइकिल हो। बट एला सुक हर हेड अगेन, उसने अपने फिर सर हिला दिया। इट वाज मच स्मॉलर देन ए बाइसिकल लैम्प, तब उसने कहा कि यह है जो प्रकाश था साइकिल की लाइट से थोड़ा छोटा प्रकाश था। सी उसने कहा। एगी थॉट फॉर अबाउट फॉर ए वाइल एज सी ग्रूम्ड हर फेदर, एगी थोड़ी देर के लिए सोचती है, फिर अपनी पंखों को संवारती है। वेल देन इट वाज मस्ट हैव बीन समवन कैरिंग ए टॉर्च, इट इज डार्क ओवर देयर बाय द ट्रीज। वेल देन इट मस्ट हैव बीन समवन कैरिंग ए टॉर्च, हो सकता है कोई बैटरी लेकर जा रहा हो। इट इज डार्क ओवर देयर बाय द ट्रीज, पेड़ों के अंदर बहुत अंधेरा था। नो इट इज वाज नॉट टॉर्च आइदर, आंसर एलन कहा नहीं, यह टॉर्च की लाइट भी नहीं थी। इट वाज स्मॉलर बीम, यह तो बहुत ही इट वाज स्मॉलर इवन देन ए टॉर्च लाइट, ये तो टॉर्च की लाइट से भी छोटा प्रकाश था। सो दिस वाज रियली टीनी लाइट, ये वास्तव में छोटा प्रकाश था। सैड एगी ने कहा। सी वाज बिगिनिंग टू गेट इन, वह शुरुआत कर रही थी, अपने धैर्य से शुरुआत कर रही थी। एला नोडिड एंड सैड दैट सी थॉट इट माइट बी मैजिक, एला ने सिर हिलाया और कहा कि हो सकता है, उसने सोचा हो सकता है ये कोई जादू हो। सो दिस वॉज रियली टीनी लाइट, वास्तव में बहुत छोटी लाइट थी। सैड एगी ने कहा। सी वॉज बिगेनिंग टू गेट इम्पेशेंट, वह शुरुआत कर रही थी अधीर होने, सी वॉज बिगेनिंग शुरुआत कर रही थी अधीर होने के लिए। एला नोडेड एंड सैड दैट सी थॉट इट माइट बी मैजिक, हो सकता है उसने सोचा और हो सकता है ये जादू हो सकता है। ओ नॉन सर रिटॉर्टेड एगी ने जब उसको धमकाते हुए कहा। देयर इज नो सच थिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एट लीस्ट आई डू नॉट थिंक देयर इज, और मैं सोचती हूँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। द फॉलोइंग नाइट, अगली रात एला हिड हर्सेल्फ इन द बुशेस क्लोज टू वेयर सी हैड सीन द ओल्ड लाइट, और अगली रात एला वहाँ छुप जाती है जहाँ पर उसने
उस प्रकाश को देखा था। सी हैड टू फाइंड आउट व्हाट इट वाज, वो पता लगाना चाहती वो क्या है। बट ऑल्दो सी वेटेड पेशेंटली फॉर ए लॉन्ग टाइम, वह बहुत ही लंबे समय तक उसे इंतजार किया, इट डिड नॉट अपीयर, परंतु दिखाई नहीं दिया। वेयर यू हैव बीन, तुम कहाँ हो, आस्क्ड आईगी, ने कहा आई हैव बीन लुकिंग फॉर ऑल फॉर यू, मैं आपके लिए उसको ढूंढ रही हूँ। वेटिंग टू कैच द लाइट, रिपीटेड एलन, कहा कि मैं उसको पकड़ने का इंतजार कर रही हूँ। आई थिंक आई हैव आंसर टू व्हाट इट इज, और मैं सोचती हूँ कि मेरे पास उत्तर है। सैड एगी ने कहा, एगी ने कहा एंड सी होंक्ड इन एक्साइटमेंट, वह बहुत ही जिज्ञासा बोलती है, इट इज ग्लोवार्म, और हो सकता है कि एक जुगनू हो सकता है। जुगनू एक पक्षी, छोटा सा जानवर होता है जो उड़ता है और चमकता है। ग्लोवार्म, रिपीटेड एलन ने कहा ग्लोवार्म हो सकता है। नो इट इज़ नॉट, यह नहीं, ग्लोवार्म नहीं हो सकता, बिकॉज सी न्यू दैट ग्लोवार्म वेरी टीनी एंड वाइट, क्योंकि ग्लोवार्म बहुत छोटे होते हैं और सफ़ेद होते हैं। द लाइट सी हैड सीन वाज बिगर देन दैट एंड रेड, जो प्रकाश उन्होंने देखा था वह बहुत ही उससे बड़ा था जुगनू से और लाल था। वेल वाई डिड नॉट यू टेल मी दिस बिफोर, स्कॉटेड अगेन, धमकाते कहा मुझे पहले क्यों नहीं बताया। सो वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट ए स्मॉल रेड लाइट दैट टीनियर देन ए टॉर्च लाइट, तब हम बात कर रहे हैं कि उस लाल प्रकाश की जो टॉर्च थोड़ा छोटा प्रकाश था। एलाने फिर सर हिलाया, सम टाइम इट मोड स्लोली, कभी कभी धीरे चलता है, एंड अदर टाइम्स इट जस्ट फ्लाइज अलोंग, और एगी कहती है कभी कभी धीर चलता है और ये जुगनू कभी कभी ये उड़ता भी है। इन फैक्ट वास्तव में वंस इट हैड एक्चुअली स्टॉप्ड एंड सी हैड ऑलमोस्ट कट, एक बार इट हैज वंस, एक बार तो ये रुक गया था, उसको मैं लगभग पकड़ ही लिया था। लुक देखो, आर यू श्योर, यू आर नॉट जस्ट इमेजिन ऑफ द होल थिंग, तुम्हें क्या पता है, तुम इन चीज़ों को कल्पना तो नहीं कर रही हो। आस्क्ड एगी ने पूछा, बिकॉज सी वॉज अनएबल टू थिंक दैट ए लाइट दैट कुड बी, बिकॉज सी वॉज अनएबल टू थिंक, क्योंकि मैं इस प्रकार के प्रकाश के बारे में तो सोच ही नहीं सकती। ऑफ कोर्स नॉट, निश्चिंत है, क्वैक एला, एला ने बोलते हुए कहा। सी वॉज वेरी मिफ्ड अबाउट बींग एक्यूज टू इमेजिन थिंग्स, और मिफ का मतलब बहुत ही नाराज होकर कहती है, आरोप लगाती कि कोई कल्पना करने की वस्तु नहीं है। सी वुड हैव टू प्रूव टू एगी दैट सी मिस्टर लाइट वॉज रियल, और मैं एक दिन आपको प्रूव कर दूंगी कि जो रहस्य में जो लाइट थी वो एक वास्तव में थी। एंड द ओनली वे टू दैट वॉज वेटेड ओवर द ट्रीज, एंड द ओनली वे, और एक ही तरीका है, दैट इट वॉज वेट ओवर द ट्रीज, की पेड़ों में उसका इंतजार किया जाए, अनटिल इट शोड अप अगेन, जब तक वह दोबारा दिखाई नहीं देती। सी हैड टू फाइंड आउट व्हाट इट वॉज, और मैं तुम्हें पकड़ दिखाऊंगी कि वो क्या थी। एला ले इन वेट फॉर द नाइट फॉर द लाइट एवरी नाइट फॉर ए वीक, एक सप्ताह तक प्रत्येक रात वह उसको ढूंढती रही, बट नो लक, परंतु उसको दुर्भाग्यवश नहीं मिली। एंड सी वाज जस्ट अबाउट गिव अप, उसने आस छोड़ ही दी थी, व्हेन सडनली रीअपीयर्ड, फिर वो एक बार दोबारा दिखाई देती है। एला हार्ट थम्प्ड विद एक्साइटमेंट, एला का जो हृदय है वो बिल्कुल एक उत्साह से भर गया। एंड सी वाडल्ड आफ्टर इट फास्ट एज सी कुड, और वह उसके पीछे इतनी तेज़ी से चल सकती थी, तेज़ी से चली। हेलो एला, व्हाट आर यू डूइंग आउट देयर सो लेट, तुम इतनी देर रात तक क्या कर रही हो। इट वाज हॉरेक, क्योंकि ये एक हॉरेक था, द बुलडॉग, बड़े सिर वाला कुत्ता होता है, गेटिंग ना गोइंग फॉर हिज नाइटली वॉक, जो कि आपको रात को घूम रहा था। एंड द लाइट, और जो प्रकाश था, द लिटल रेड लाइट दैट एला हैड बीन परस्यूइंग फॉर सो लॉन्ग वाज शाइनिंग फॉर हिज कॉलर। कॉलर का मतलब होता है कुत्ते के में बंधने वाला जो पट्टा होता है, उसको कॉलर कहते हैं, और उस पट्टा था। ओ इट हेल्प मी सी इन द डार्क, हॉरेक ने एक्सप्लेन किया उस कुत्ते ने कि यह मुझे, यह जो लाइट है
चौपट्टे में बंधी हुई मुझे रात को देखने में मेरी सहायता करती है। माई आई साइट इज़ नॉट एज गुड, मेरी आँखें जो इतनी अच्छी नहीं हैं, एज इट वंस वाज, जो कभी थी। एंड इट इज सेव्स मी फ्रॉम गेटिंग हिट बाई ए कार और बाइसिकल, क्योंकि मुझे कार और बाइसिकल के चोट लगने से टकराने से भी मुझे बचाती है। गुड आइडिया, एग्रीड एला, सहमत हुई। सी वाज डिलाइटेड दैट द मिस्ट्री ऑफ द लाइट और लाइट हैड बीन सॉल्व्ड एट लास्ट, और जो रहस्य में लाए जो प्रकाश था आखिर में उसका समाधान हो ही गया। एंड सी कुड हार्डली वेट टू गेट होम एंड टेल एगी अबाउट इट इमेजिनेशन थिंग्स, और वह घर पर एगी के इंतज़ार कर रही थी उसको बताने के लिए कि वो जो काल्पनिक वस्तु क्या है। सी वुड सर्टनली एक्सपर्ट एन अपोलॉजी, और वह वास्तव में उस एगी से क्षमा मांगना चाहती थी। थैंक यू।